हेलो। हाँ बेटे, चुक लिया इन्हें, चुक लिया। मैनू वैसे दर्जियों से बहुत गुस्सा हैगा। सारे वारदातिये कातिल ठग स्ट्रीट क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं जो दर्जी पकड़ रहे हैं। अब आप तुम पता इन्हें की कीता है? की कीता है मैं तुम दसना इन्हें की कीता है। तो तुसी दसो ना ने की कीता है। पहले कर लो अपनी आइटम, मैं फिर दसदा। नहीं तुसी करो। तुसी यकीन जानो इन्होंने इन्हीं औरतों के कपड़े खराब किए ने। एडी हुण शिकायत आई है, कुड़ी ने कपड़े सीन ले दिते ने, ओदे कपड़े उन्हें खराब कर दिते ने। तुहानू पता अजकल सूट किन्ने दा आ रहा है? 22-25 हज़ार तो घट सूट तो आ नहीं रहा। मेरी वाइफ के कपड़े खराब किए दर्जी ने। तुसी यकीन जानो कि ईद वाले दिन उन्हें कपड़े पा के मेरे सामने फेरे सी। मैंने इंज लगा जो पलवान फिर रहा। अच्छा तो कंप्लेन क्योंकि आपकी होम मिनिस्ट्री से आई है तो इसलिए इतना सीरियस ले रहे हैं। मेरी होम मिनिस्ट्री से नहीं आई, लोकल कंप्लेन है। ये कौन है? ए, मेरा ताया है। ये कौन है? आप देख नहीं रहे, ख्वाजा सरा है। नहीं इन्हें वो हरकत की थी, तो सोच नहीं सकते। ख्वाजा सरा बेचारे ने क्या किया? किसी का कत्ल कर दिया जो उधर जेल में बंद कर दिया? ये तो कर देंदा मैडम, ये तो फंक्शन हो रहा सी, इन्हें फायरिंग की थी जे। इसने? हाँ जी। और दस जरा मैडम, देखो जी साडे भी कोई इज्जत है, असि भी किसी के धी पुत्र हाँ। मैं उसे एक गाने से परफॉर्मेंस कर रही थी, वे सोने दे आ कंगना सौदा इको जया, दिल देना ते दिल मंगना ते सौदा इको। अच्छा ठीक है, वाकया क्या पेश आया? उसे एक बंदा सी, फिर उन्हें कौड़ा शरबत पीता आया सी। इन्हों के फंक्शन के उत्ते ड्रिंक तो कर लेंगे ने। ड्रिंक इसलिए करते हैं कि उन्हें पता ना लगे कि हो की रहा है। जिसल हल्की जी ड्रिंक थले आई है ना, उस पता लगता है असं की वेख रहे हैं। पहले उन्हें लगता है कि करीना कपूर डांस कर रही है। जिमें निजाम थोड़ा हल्का थले थले आउंदा ना, फिर उन्हें लगता वो असी सारी रात रशीद नूं वेखदे रहे। उत्थे वो करदे ने बदतमीजी, लेकिन इन्हें की फायरिंग। तो फायरिंग में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ ना? नुकसान हो जाना सी, अल्लाह ने बचा लिया है। इन्हें उत्ते नूं फायर किया है, उत्तों कान लंघ रहा सी, वह फायर उन्होंने वजह। वो सुबह खाना खोलना सी, कान सीधा दे के डिग गया। उन्होंने आपस में झगड़ा हो गया कि इन्होंने कबा बिरयानी बनाई है। ना दस प्रवीण प्यार होने तू पहले ना दस बेटे। तुफैल तो सुन, तेरा ना है तुफैल। अन्नी ने बजे तू स्पीकर का काम करता ना, होर ज्यादा मशहूर होना सी। तुफैल स्पीकर वाला बड़ा हिट होंगे। वालिद साहब बशीर मेरी गल सुन जी, जे तो उन्होंने को माफ़ी मांग लेंगे ना तो पुत्र मैं तेन छड़ देंगे, तेरे तो परचा नहीं मैं देंगा। मैं माफ़ी मांग लाँगी जी। बदतमीजी कर रहे ना बाजी दे नाल। होया की भैन मेरी? थाड़े दास साहब ये मैं को दगे। ये मैं को दगे। सर जी ये दगे की हुंदा? मैं को दगे सी मारे। अच्छा मारे मारे मारे। तेनू हया दा घाटा, बाल तू इन्ने तय करके वाए होने के। और इसकी शक्ल पे देखे तकब्बुर इसका अभी भी खत्म नहीं हो रहा। आपको शर्म नहीं है किस बात पे मारा? चुप करके बैठना तुसी ना। हाथ ले, लंबे लंबे पैर, लंबे पैर। जानदे नहीं मैं कौन है? कौन है तू? कौन है दस्तक? मैं तुहानू दसना वकूआ की है। थोड़ी जी मेरी तनखा है भाजी, एडिया एडिया वड्डियां फरमाइशां मैनू पाउंदी है। नवे शू मैं अपने लै के आया, सारे घर च मैं लभ रहा। मेरे साले नूं दे तो विआह दे विच मेरे सामने इंज कर रहा सी ओ साला मेरा जिहड़ा। किन्नी तनखाह है तेरी? मेरी 25,000 रुपया। अन्नी दे बच्चे आकड़ तेरी 1.25 लाख खाली है। आओ लम्मियां नूं आओ, मेरी गल सुन लो। ओ मैं तुहानूं दस्सां, देखो बेटा ए तेरा एक बिरा है, ए तेरे मां-प्यो दा कसूर है, मेरा नहीं हैगा। ठीक है तू मैनूं दस्स होया की सी गल की तुसी रही? मैं जड़न दी परनीज के आई हां। हाय हाय बाजी, पता कि मैं परचा देना है ते उन परनीज दा मैनूं पता कोई। ट्रांसलेटर अशरफ जी सर, की कह रहे बाजी री? ओ कहंदी है जदों दी मैं विआह ही आई हां। अच्छा तदा को लो जेड़ा लो जे जी, जेड़ा लो जे तदा नहीं दिया बचिया। ओ मेरे विआह नु 24 साल अज तक मैं जेड़ा लो जे नहीं कीता हैं, तू जेड़ा लो जे भी कर रहे हैं। ओ सर मेरी गल तुसी आपा ओए लम्मे ओए लम्मे ओए मेरी गल सुन लो, मैं तुहानू अगे भी दस दित्ता जे तुसी मैनू जानदे नहीं, मैं तुहाडियां पेटियां लवा देंगा, तुसी मैनू जानदे नहीं। तैनूं पता है पेटियां किन्ना समान पिया, तेरा प्यो भी नहीं ला सकदा। मैं किराए की तो मैं भी समझती हूँ, लेकिन इस बात की समझ तो मुझे भी नहीं आई।
ਅਸਲ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੰਦਰੂਨ ਸਰਾਇਕੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਰਾਇਕੀ ਦੀ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੰਮ ਬੇ ਸਰ ਜੀ ਕੰਮ ਬੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਿਜੇਂਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਪਿਜੇਂਦਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਲੜਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਦਰਸਾਲ ਟੱਪਦੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤਰਜੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਦਰਸਾਲ ਟੱਪਦਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਬੁਲਾ ਮੈਂ ਕੋ ਮੰਦੇ ਕੱਢਦੇ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਓਏ ਔਰ ਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮੰਦੇ ਉਹ ਪਾਵੇ ਲਮੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਂ ਹਲੋ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੂ ਮੈਂ ਲਮੇ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਪੈ ਜਾ ਕਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ मतलब है अचानक मेरी बेगम हुंदी लड़ाई नहीं सी होणी इस गल का गुस्सा नहीं तू बीवी ने कुटिया इस गल का गुस्सा तू उधर की पंच लैंदा ये गल तो मैं नहीं की अज तक सर एह जे बंदे ने तो 14 साल की सजा होनी चाहिए रबाब की गल मैं कभी मोड़ी नहीं 14 साल ही हाँ तू नहीं आपको इतना मारते तो आपने कभी इनकी कंप्लेन नहीं की अच्छा मैं सुने तो सुती हुई है अगर आप खाबे खरगोश से जाग ही गई हैं तो मैं जरा बाजी की बात सुन लूं ओए वे तो मुझे आप और आपका कानून लग रहा है जो आपके इलाके में ऐसे जरायम हो रहे हैं खातून अगर आप इतने अरसे से हरासमेंट और ये मार बर्दाश्त कर रही थी तो क्या आपको विमेन सेफ्टी ऐप का नहीं पता था ओ क्या बला होंगी मेरी भेड़ हुकूमत ने एक ऐसा ऐप लॉन्च किया कि आप लाइव चैट के जरिए से पुलिस से राब्ता कर सकते हैं। ओए हुकूमत तो आगे बड़े ऐप ने और केड़े ऐप लबन डए ऐप ओए ऐप मैं तो लोग के ने वीआरओ पीआरओ कोई गाल न करे नहीं अगर आपको पता नहीं है तो इस तरह के वाकयात से बचने के लिए कोई पेपर स्प्रे कोई टेजर कुछ नहीं है आपके पास बेटा एक ना स्प्रे मिलता हुंदा है जो प्रेस दे रखी दा हुंदा है ठीक है अचानक उस बाद चार घंटे बंदा अन्ना बन के फिरता है साहब जी तानू की नहीं पता है परसों यार तेरी भरजाई दे सामने मैं कोई माड़ी गल कर बेटा उन्हें मेरे मारता चार घंटे मैं अन्ना बन के घर फिरता रहा किस तरह स्प्रे मेरे अखा ने वजह तो मेरा ऐ हो गया मैं मैं सारे घर दे विच यकीन जानो वीना जी इस तरह फिर ये लेफ्ट को जाए लेफ्ट ऐ करके इन चीजा भी डिगी है सन ऐ करके मैं देखा हूं वॉशरूम लभे ना मैं पौड़ियां चढ़ के गया उत्ते वॉशरूम खुला सी फिर अगे मेरा सौरा बैठा सी उस काफी देर में कहता रहा तुसी अन्ने सो बोले ते नहीं सो तो पता नहीं सी लग रहा मैं समझ शायद उत्तो छत तो आ रही आवाज उन्हें मैंने कहा बेटे तू मेरी प्राइवेसी ब्रेक कर रहे हैं सिर्फ प्राइवेसी उदो मैं पता लगा मैं चीख मार के बाहर निकलिया अगो मेरी सस फिर रही सी मैं उदे पैरी पै गया मैं समझ मेरी बीवी है मैं कहा जान माफ कर दियो वो मेरी बीवी ने वेख लिया उन्हें मेरे तो परचा कराता उन्हें समझा मेरी अम्मी हरैस कर रहे हालांकि उन्होंने ये नहीं सी पता अबू भी अंदर कर गया है उस बाद मैं माफिया मंगा अम्मी गल ही कोई ना करे अम्मी चुप लग गई चार घंटे बाद मेरी अखा ठीक हुई तो दोवे शर्मिंदा फिर रहे सी फिर क्या सौरा भी सास भी अखा ही ना मैं मेरे नाल आजा चलिए बेगम है अपनी स्टोरी खोल के बैठ बकवास बंद कर बाजी ब्याह नु किन्ना अरसा हो गया अगर आप अपने मनपसंद फनकारों की बस्तियां देखना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और देखते रहे बस्तों की मस्तियां।